अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अमीन खान और आप देख रहे हो सीनियर क्रिएटर। अच्छा, आज इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वीडियो को किस तरह एडिट किया जाता है और वो भी फिल्मोरा वंडर शेयर को इस्तेमाल करते हुए। फिल्मोरा वंडर शेयर सबसे मेरे ख्याल में आसान सॉफ्टवेयर है और इसको सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और इसकी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला तरीका है। सिर्फ आपने कुछ समझना है इसमें से, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसी एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता दूँ और समझा दूँ। चलो आप देख लीजिए, यहाँ से आपने ये डाउनलोड करना है फिल्मोरा वंडर शेयर फ्री डाउनलोड फुल वर्जन यहाँ से, ठीक है। ये इसका अपना वो है वेबसाइट है, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, कोई मसला हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। चलो फिलहाल जो है ना, मैंने यहाँ से शुरू करना है, ये खोल के ये आ जाएगा। तो सबसे पहले सेट प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशियो है, इनमें से चार किस्म के रेशियोज आते हैं। जो वाइड स्क्रीन है 16:9, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड है, इंस्टाग्राम है, पोर्ट्रेट है, अपनी मर्जी है, जो इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है तो वाइड स्क्रीन है, तो इसी को मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ मोड आते हैं। इजी मोड है, इंस्टेंट कटर है और एक्शन कैम टॉल है, और इसके बाद फुल फीचर मोड है। तो ये जो तीन मोड है ये फुल फीचर मोड में ही मिलते हैं, तो मैंने इसी को इस्तेमाल करना है। ओके, अच्छा आ गया ये खुल गया। ये इसका पूरा ग्राफिकल इंटरफेस है जो फिल्मोरा वंडर शेयर है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिलीट करता हूँ, दिखा दो कि क्या क्या है इसमें और किस तरह करते हैं। तो ये सारा को मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल। अच्छा, ये जो तीन जगह नज़र आ रहे हैं, एक ये है, ठीक है, ये है मीडिया लाइब्रेरी है इसकी, ये जो है इसका स्क्रीन है जो हमने इधर वीडियो इंपोर्ट किया, ऑडियो इंपोर्ट किया, इधर से हम जो है ना ये देख सकते हैं। और इसकी सबसे अहम जगह जो है ना ये है टाइमलाइन, तीन जगह, ठीक है, लाइब्रेरी, रिव्यू स्क्रीन और ये वाला टाइमलाइन। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इधर ही से, ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी से हम शुरू करते हैं। तो आपने फाइल को किस तरह फिल्मोरा वंडर शेयर में लाना है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। आप डायरेक्ट कोई भी फाइल उठा के, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह, कोई भी फाइल उठा के आप डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, मेरे डेस्कटॉप में कुछ शायद पड़ा होगा, ये दो बार मैंने डायरेक्ट इसमें ड्रैग किया, ठीक है। अच्छा, ये फाइल का कुछ मसला है, सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये हो सकता है, ठीक है, ये कोई शायद मेरे जो ये जिस फॉर्मेट पकड़े उस वजह से ना हो रहा, लेकिन ये हो सकता है, आप ट्राई कर ले तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है, यहाँ से इम्पोर्ट करना है अपने मीडिया फाइल, आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, मीडिया फोल्डर भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कैमरा या फ़ोन है उससे भी वो कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट डाउनलोड करना है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, फ्लिकर से, आप कर सकते हैं। तो मैंने मीडिया फाइल लेकर आना है आपको दिखाने के लिए, तो मैंने जो है ना यही दो गाने, ये एक गाना जो है ना मैंने करना है, ये आ गया है एक गाना, ठीक है। दूसरा करना है मैंने, ये दो आने आ गए, ठीक है, ये इंपोर्ट का तरीका है। आप चाहे तो आप अपना भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वेबकैप से रिकॉर्ड कर सकते हैं, पीसी स्क्रीन का रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड और वॉइस अपने आवाज़ के ऊपर भी कोई रिकॉर्ड कर सकते। तो के लिए नजर आपके रिकॉर्डिंग क्वालिटी है किस तरह आ रही है, ठीक है, ओके।
अच्छा फ्रेंड, ये तो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसकी रिव्यू देखने के लिए हम सिर्फ ये जो स्टार नजर आ रहा है ना, या ये जो क्रॉस का निशान है, इस पर हमने क्लिक नहीं करना। फिलहाल हमने किसी साइड से इस पर क्लिक करना है। अगर आपने रिव्यू देखना है सिर्फ, तो ये रिव्यू के लिए, ठीक है, ये रिव्यू के लिए, ठीक है, ये इसके रिव्यू। अगर आपने दूसरी की रिव्यू करनी देखनी है, तो इस पर क्लिक कर ले, ठीक है, दूसरे की रिव्यू आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है ना, ये रिव्यू स्क्रीन है, ये तो हो गया, ठीक है, इसमें जो कुछ काम रहता है इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता रहूँगा। दूसरा ये जो इसका रिव्यू स्क्रीन है, इसमें कुछ ऑप्शन है, ये तो प्ले और ये आगे पीछे और ये शुरू से, ये तो सब आपको पता है क्योंकि आप सब लोग ये कोई ना कोई मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करते हैं, उसी से मुशाबे आते हैं। अच्छा, इनमें से जो दो तीन चीज़ें हैं वो ये, एक जो है ना, आप अपना आवाज़ अगर इस पर किसी वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। आप किसी के स्नैपशॉट शॉट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी की लेनी है, तो ये हो गई, ठीक है, इस तरह आसानी से। आवाज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, स्क्रीन ज़्यादा बड़ा कम फुल स्क्रीन पे देखना है, छोटी स्क्रीन पे देखना है, मर्जी है। अच्छा, इसके बाद आते हैं इधर। अच्छा, कोई वीडियो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वीडियो है, एड टू प्रोजेक्ट, ये जो क्रॉस का निशान है, इस पर एक दफ़ा क्लिक कर ले, ये नीचे आ गई, या आपके प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। अच्छा, ये निशान जो नज़र आ रहा है, ये अंडू का है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कोई हिस्सा इधर ला के मैंने डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, मैंने अंडू किया, वापस आ गया, ठीक है, फिर अंडू किया, जो कट किया था वो भी वो आ गया, ठीक है। रीडू करना है, दोबारा उसी पे जाना है, दोबारा ख़त्म करना है, ये अंडू और रीडू, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये ज़्यादातर इसका फंक्शन इस्तेमाल होता रहता है चीज़ों में। अच्छा, इसके बाद जो है ना एडिट है। एडिट में आप क्या क्या कर सकते हैं, एडिट में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो वीडियो है, ये वाली, इसकी अगर मैंने रोटेट करना है इसको, तो यहाँ से मैं रोटेट कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, रोटेट, ठीक है। अगर आपने इसको वापस दूसरे साइड पे करना है या किसी और साइड पे देखना है, बाद वीडियो होते हैं कोई ऐसी स्क्रीन में आ जाते हैं जो रोटेट होते हैं, तो आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा, तो इसको फिलहाल सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने फ्लिप करना है तो फ्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है, और अगर वर्टिकल फ्लिप करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये में ये ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपने वीडियो कंट्रास्ट चेक करनी है, सैचुरेटनेस और ब्राइटनेस, टेंट, ठीक है, इनके लिए सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। और सबसे इसमें अहम ऑप्शन जो इस्तेमाल होता रहता है बस चीज़ों में, ये वीडियो की जो है ना रिवर्स, वीडियो की जो क्लिप है उसको रिवर्स में प्ले करने के लिए, ये वाली, ये रिवर्स करने के लिए ये हो जाएगा, तो रिवर्स में प्ले होता है। बस चीज़ें बड़ी अजीब से नज़र आती है अगर आप ये ट्राई कर ले। वीडियो को रिवर्स में प्ले करने के लिए भी इसमें ऑप्शन है, ठीक है। एडिट करने के लिए आप ये प्ले कर ले, इसको सेव कर ले, ये रिवर्स में प्ले होगा। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह होता है, चेक कर लें। अब दोबारा मैं इसको जो है ना कर देता हूँ अपनी पोजीशन पे लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एडिट तक। इसके बाद ये जो वो है कैंची नजर आ रही है, ये स्प्लिट के लिए। स्प्लिट का मतलब आप तो जानते हैं, स्प्लिट का मतलब हिस्सों में तकसीम करना, काटना, ठीक है। स्प्लिट का ये भी है और ये भी है, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट के मकासद हो सकते हैं दो तीन किस्म के। अगर आपने कोई ये हिस्सा अलहदा करना है, इसके बीच में कोई और क्लिप डालनी है, तस्वीर डालनी है, कोई इमेज डालनी है, कोई ओपनर या कोई भी चीज़ डालनी है ना बीच में, या कोई इफेक्ट डालना है, ट्रांजिशन इफेक्ट, तो इसके लिए हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्या इसके अलावा दो हिस्से बन गए अब स्प्लिट करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वाला हिस्सा डिलीट करना है, स्प्लिट हम इधर से भी कर सकते हैं, ये जो कर्सर है इधर रख के इधर इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये डिलीट का निशान आ जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये मैंने डिलीट की निशान यहाँ से मारी, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कोई भी अनवांटेड हिस्सा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं दोबारा अंडू कर देता हूँ क्योंकि हम इस पर कुछ काम कर रहे हैं।
अच्छा इसके बाद जो है ना ये है क्रॉप एंड जूम का वो है वीडियो का, मैंने ये हुआ छोटा हिस्सा जो है ना ये सेलेक्ट किया हुआ है तो इस पर थोड़ा सा करते हैं। अच्छा यहाँ से मैं क्रॉप एंड जूम करता हूँ और यहाँ जो नज़र आएगा वो इसका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ना मैंने इस बंदे को सिर्फ जूम करना है वीडियो में तो ये इस तरह नज़र आएगा, और ओरिजिनल किस तरह है, ओरिजिनल इस तरह है, ठीक है। या थोड़ा सा आगे जाते हैं चलो ये है मैडम को जो है ना हमने थोड़ा सा जूम कर देना है और बाकी जो लाइटिंग वाइटिंग है ना ये इससे ख़त्म करनी है तो वीडियो में जो है ना सिर्फ ये नजर आएगा, ठीक है। देख लीजिए बाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ये फंक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना फ्रीज फ्रेम है, आपने कोई तस्वीर या कोई वीडियो का एक हिस्सा आपने फ्रीज करना है तो इससे हो जाएगा। फ्रीज का मतलब आगे पीछे कोई हरकत नहीं होगा, सिर्फ तस्वीर ही नज़र आएगा। चलो पावर टूल लीजिए, फिलहाल इस्तेमाल में नहीं है। इसके बाद एडवांस कलर ट्यूनिंग है, एडवांस कलर ट्यूनिंग से आप जो कुछ कर सकते हैं ये फॉर एग्जांपल इसकी टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अगर ये वीडियो दिखाना है कि ये गर्मी में बनी हुई है ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर आपने सर्दी वाला दिखाना है तो सर्दी कर दें। नहीं इतना रखना है इसका जो ओरिजिनल है ये रखते हैं। इसमें और भी काफ़ी ऑप्शन है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, इसके बाद आते हैं हम इस वाली जो ये जो नज़र आ रहा है ये वाली ऐसे एक कौन सा टेबल कहते हैं, चलो कोई भी हो इस पे कहते हैं। अच्छा अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ इधर ये कर्सर वीडियो की ये है, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ये वाला हिस्सा ज़्यादा करना है तो ये प्लस से ज़्यादा हो जाएगा, ये एडिटिंग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। माइनस से जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। जूम टू फिट टाइम लाइन ये आप अपनी मर्जी कोई भी सेट कर सकते हैं। अच्छा हम अब आ जाते हैं ये मीडिया पे म्यूजिक, इस वाली जो ये वाली जो लाइन में जितने टोल्स पड़े इस पे आ जाते हैं। सबसे पहले मीडिया वाला है, मीडिया वाला यही है, इस पे हमने दो ऑप्शन देख लिए इम्पोर्ट और रिकॉर्ड का, जो मैंने आपको दिखा भी दिए। इम्पोर्ट से हम फाइल भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, फोल्डर भी कर सकते हैं, कैमरा और फोन से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम डाउनलोड भी कर सकते हैं फेसबुक से इंस्टाग्राम से, ठीक है। अच्छा अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड के लिए भी ऑप्शन मौजूद है, वेबकैम से करना है, बीसी स्क्रीन है या वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर वीडियो आपने चढ़ानी है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो मीडिया के से हम ये वाली चीज़ जो है ना ये वाले मकासद पूरी कर सकते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके बाद म्यूज़िक, म्यूज़िक के ऑप्शन में आपको कुछ म्यूज़िक जो है ना इधर दी हुई है, या से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इस पर डबल क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगा। इन्होंने जो अपना दिया हुआ है ना एक इन्होंने डिफ़ॉल्ट के तौर पर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, एड टू प्रोजेक्ट, सिर्फ इस पर आपने एक क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया और इसकी मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ क्योंकि ये वीडियो एडिटिंग में आपके काम आएगा ज़रूर, ठीक है। अब हमारे पास दो आवाज़ें, एक तो अभी जो हमने म्यूज़िक वाला इधर ड्रॉ किया हुआ है ये वाला है, ठीक है, और इस एक वीडियो का ये वाला है अपना। अब सुनने किस तरह ये मतलब सुनाई देगा, ये तो हो गया। अब इसके एडिटिंग में कुछ है कि आवाज़ को किस तरह एडिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो नीचे वाला म्यूज़िक है ये एडिट करना है, इस पर आप डबल क्लिक कर दे तो ये इसका ये आ जाएगा, ठीक है। आपने इसकी वॉल्यूम कितनी रखनी है, 100 पे रखनी है, 186, चलो मैं 186 रखता हूँ, फिर देख लो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला इसकी जो आवाज़ है तो उसकी आवाज़ कम या ज़्यादा करना है तो इस पे राइट क्लिक कर दे, राइट क्लिक में आप आ जाए ऑडियो डिटेच पे, ठीक है, ऑडियो डिटेच पे आप आ जाए तो इसका वीडियो ऑडियो जो है ना वो इससे अलहदा हो जाएगा। चलो ये अलहदा हो गया, आप इस पे डबल क्लिक कर दे, डबल क्लिक कर दे, मैंने इसको जो है ना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ओके कर दिया। अब इसकी आवाज़ सुन ले, तो
इसको आप जो भी मिक्सचर बनाना चाहे इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर दे, इसको दोबारा कोई से उस पर सेट कर ले, ठीक है, और इसको काम कर ले। या थोड़ा सा मतलब इफेक्ट कर देते या आपने देख लिया कि वीडियो से आवाज़ को किस तरह डिटेच किया जाता है। ये चीज़ कब काम आता है, ये तब काम आता है जब आपने किसी वीडियो के ऊपर डबिंग करनी हो, इसके लिए ये चीज़ आ जाती है। आप अपना कोई भी म्यूज़िक रिकॉर्डिंग या कोई भी चीज़ इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो कर सकते हैं। आप वीडियो से जो अपना उसका वो है म्यूज़िक है या आवाज़ है वो डिटेच कर ले या डिलीट कर दे। आप डिलीट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इसका जो वो है डिलीट करना है, ठीक है, ये इसकी डिलीट हो गई, अब यही होगा जो मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। फिलहाल हमें ज़रूरत है तो हम इसको अंडू कर देते हैं, फिर आ गई। अच्छा, ये तो म्यूज़िक आपने देख ली, इधर से आप डाउनलोड कर सकते। अच्छा, अगर आपके पास लाइब्रेरी में कोई अपना म्यूज़िक पड़ा हुआ है तो वो भी आप ला सकते हैं, इम्पोर्ट म्यूज़िक भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये वाली इंपोर्ट की हुई है, अगर आपके पास पीसी में कोई है तो इधर से क्लिक करके ये वाली, फॉर एग्जांपल ये मेरी रिकॉर्डिंग है मैंने कर दिया हुआ, तो इसे ओपन करके इधर आ जाएगा, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आ गई। अच्छा, इसके बाद म्यूज़िक भी हो गया। इसके बाद ये है टेक्स्ट एंड क्रेडिट। टेक्स्ट एंड क्रेडिट जो है ना, ये वीडियो में रंग भरने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मिल जाते ओपनर, मिल जाते टाइल, मिल जाते लोअर थर्ड, मिल जाते सब टाइटल, मिल जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो अपना रखता हूँ ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल यहाँ मेरे वीडियो के शुरू में यही आता है ओपनर, इधर मैंने ओपनर पे वो कर दिया, तो मैंने जो अपने लिए पसंद किया हुआ है ना वो ये है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक, इस पर सिर्फ एक क्लिक किया, ये आ गया इधर, ठीक है, अब देखिए ये आ गया। लेकिन इस पर ये जो आवाज़ है हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा शुरू कर देते हैं, किस तरह नज़र आएगा ये। अच्छा, अगर आपने इस पे ओपनर पे अपना नाम, अपने कंपनी का नाम, अपने शॉप का नाम, अपने बिजनेस का नाम लिखना है तो आप यहाँ डबल क्लिक करके ये खोल जाएगा, ठीक है। खोल गया तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा होता है अक्सर अमीन खान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने यहाँ नहीं करना तो आप एडवांस पे क्लिक करके, इधर ही एडवांस पे क्लिक करके आप यह सीडी कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, तारीफ, तो जब से मेरा चैनल चल रहा है मैंने वही लिखना है, तो वो मैंने लिख दिया 04 और 13, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये है अमीन खान वाला, अमीन खान प्रोडक्शन, ये तो आप पहले से क्या हुआ है, तो चलो मैं इस पर स्पेस देने के लिए और इसको अपनी तब बनाने के लिए करते थे, ये हो गया। और यहाँ से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो मैंने पोजीशन चेंज की, जो हो गया ओके कर ले, ये आप इसके साथ ऐड हो गए, ओके। अच्छा, ये टेक्स्ट एंड क्रेडिट में ये भी आता है। इसके अलावा सब टाइटल है और लोअर थर्ड है। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको कोई चीज़ दिखा देता हूँ, ये जो सिंगर है ना, ये कोई एक तस्वीर बता देता है करीब से, हाँ ये आगे की, इसको फॉर एग्जांपल इसका नाम मैंने ज़ाहिर करना है कि इसका नाम क्या है, इस लड़की के नाम क्या है। नाम ज़ाहिर करने के लिए मैंने लिखना है लोअर थर्ड पे आना है, लोअर थर्ड पे अगर आपने ये चीज़ देखी होगी, काफ़ी दफ़ा देखी होगी, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो रहा है, बस तो आसान से बात करना है क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें जो है ना पहले से दी हुई है, बात को डाउनलोड करना पड़ता है। दो मिनट इंतज़ार करते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। वीडियो एडिट करने के लिए अपने नाम की कोई चीज़ या अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ डालने के लिए हम इधर कर सकते हैं। आपकी अपनी तस्वीरें तो इधर ये आ जाएगा, आप अपना नाम लिख दे। अच्छा, तो मैंने इस मैडम की नाम दिखाने के लिए, मैडम की नाम दिखाने के लिए यहाँ से कोई भी लोअर थर्ड उठाना है, अपनी मर्ज़ी का अपने स्टाइल पर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसमें जो पहले से दिए वो भी इस्तेमाल कर सकते। फिर मैं ये करना, ठीक है, ये वाला, तो
इस पर आप डबल क्लिक कर दे मतलब उसमें आपने इसका जो नाम है तो जो नाम है आपने रखना है आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपने रेड रखना है या ग्रीन रखना है तो सारे बोल बनाने के लिए भी आप कर सकते हो, साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं थोड़ा सा इसका नाम है उसके पीछे नाम है और कुछ कर दो। अच्छा तो अब आप देख लीजिए किस तरह नज़र आएगा, आप देख लो किस तरह नज़र आएगा जो आपने देखा होगा। अच्छा इसके बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपने यहाँ से वीडियो स्प्लिट किया हुआ है, ये नज़र आएगा कि ये मतलब दो हिस्सों के तकसीम है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। आप इधर क्लिक कर दें, ठीक है, इधर फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रांजिशन इफेक्ट डालना चाहता हूँ तो इसकी आप यहाँ से साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। से आपने इस पर ड्यूरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते, यहाँ पर जितना होना चाहिए तो मैंने ज़्यादा कर दिया थोड़ा। तो अब आप देख रहे ये वीडियो स्प्लिट के मैंने बहुत ज़्यादा कर दी, ये तोड़ का काम है नज़र आएगा, ठीक है, मैंने थोड़ा काम करना है इसको। अगर आपकी मर्जी का कोई और है इधर फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर स्प्लिट करना है, इधर पहले स्प्लिट कर देते हैं और इसके बीच में हो जाए तो मेरा भी ये डाल दूँ, ये देखते किस तरह नज़र आ गया। ड्यूरेशन बहुत कम है तो ये सही तरह नज़र नहीं है। ये बहुत इफेक्ट है, आप कोई भी डाल सकते हैं। इसके बाद फिल्टर है, फ़िल्टर में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं इसकी कलरिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा वो होता है, आप ये चेक कर ले तो इस पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस वीडियो को ब्लर देखाना है, ठीक है, इसमें कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ब्लर देखाना है तो ब्लर के लिए ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला इससे जो है ये ब्लर हो जाएगा। ये वाला ब्लर हो गया है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने कोई और दिखाना है आपको, ये चीज़ दिखानी है कोई भी आप फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत मज़े मज़े के फिल्टर है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है, बहुत ज़्यादा आसान है, आप कोई भी उठा कर देख सकते हैं, ठीक है, मेल है, स्क्रीन है, हवा वाला है साइड वे वे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगाना चाहता हूँ। बहुत चीज़ इस वीडियो में सही तरह नज़र नहीं आती लेकिन ऐसे है काफ़ी ज़्यादा, ये देखो इसके अकसाम भी पड़े हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा इसके बाद है इसके ओवरलेज है, ठीक है, ओवरलेज भी तकरीबन ये फिल्टर ये चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर डालनी है ओवरलेज, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके ओवरलेज डालनी है, ओवरलेज भी आप डाल सकते हैं, फ्रंट टाइप है तो इसमें जो दी हुई आप कोई भी इस्तेमाल जो नहीं है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद है एलिमेंट्स,
अपने वीडियो के ऊपर कोई भी एलिमेंट अपने डाल नहीं रहा है। अच्छा एक बात और, तो ये जो हमने ये और लेस डाले, इसकी हम ये यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करके। अच्छा इसके बाद है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एलिमेंट डालना है, ये डालना है जो ये, ओके, और इसकी पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहाँ डालना है, इसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इधर काफ़ी दी हुई है, आप देख ले, इसमें से आप कोई जो भी पसंद हो, जो भी काम का हो, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते। इसके बाद एक बहुत मज़े का वो है स्प्लिट स्क्रीन में, अगर आपने एक ही वीडियो में दो दो वो दिखाने, मोशन दिखाने, दो से ज़्यादा दिखाने, या आपने एक वीडियो दिखाना है उसके ऊपर आपने कोई इंटरव्यू करना है, तो आप ये स्प्लिट स्क्रीन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से दो दिखाने हैं, तो ये मैंने ये ऑप्शन से क्लिक कर दिया, इस पर दो जोन आ गए, ड्रॉप वन, जोन वन और जोन टू, ठीक है। जोन वन में जो है ना मैंने ये वाला ड्रॉप करना है, ठीक है, और जोन टू में मैंने ये वाला ड्रॉप करना, दो ड्रॉप हो गए, इस पर आप अप्लाई ओके कर दो, ठीक है, एक साथ दो लग गए। मैंने तो आपको बताया हुआ है कि इसकी आवाज़ को किस तरह अलहदा किया जाता है, आप आवाज़ अलहदा करने अपनी इसकी कोई इंटरव्यू चला दे या कोई भी इफेक्ट चला दे, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत मज़ेदार ऑप्शन है, बहुत मज़े का ऑप्शन है ये, इस पर अब चार जोन आ गए, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा इसकी इस तरह होते, तो इसको इस्तेमाल करके आप वीडियो को बहुत मज़ेदार से एडिट कर सकते हैं। अच्छा सबसे आखिर में जो है ना ये है एक्सपोर्ट ऑप्शन, आपकी वीडियो कम्प्लीट हो जाए, बिल्कुल मतलब वो हो जाए, तैयार हो जाए, तो आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट में मैं लास्ट में आता हूँ, क्योंकि अभी कुछ ऑप्शन रहते हैं उस पर थोड़ा काम करते हैं, उसके बाद वो कर देते हैं। अच्छा तो मैं वापस आ जाता हूँ इस पर। अच्छा ये चीज़ें तो आपने देख ली, इनमें से कुछ चीज़ें नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो ये क्लिप के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हाँ ये एड न्यू टैग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आपके पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट के लिए या म्यूज़िक के लिए या वीडियो क्लिप के लिए या कमी आ गई, तो यहाँ आपने कोई और चीज़ डालनी नया कोई इन कोई भी हो इनमें से, तो एड न्यू ट्रैक कर दे वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई लोगो डालना है, ठीक है, इधर मैंने कोई लोगो अपना दिखाना है, तो अपने लोगो दिखाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये छोटी वाली तस्वीर है वो इम्पोर्ट कर दी है, इम्पोर्ट करके मैंने इसको डालना है आपने एड टू PIT, एड टू PIT ये करना है आपने, ठीक है, या इधर आ गया, इधर आ गया, और इसका आपने सेट करना है कि कितना नज़र आना चाहिए इससे। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ उठा के अपनी लोगो पे कर सकते हैं, ठीक है। और लोगो नज़र किधर आएगा इसका वो कितना होगा, क्योंकि वो भी आप सेट करते हैं, ड्यूरेशन आप खुद सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ड्यूरेशन मैंने रखना है, नॉर्मली तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है जितना आपने सेट करना है, जितना दिखाना है, जितने हो इसकी साइज को दिखाना, तो ये भी हो सकता है, ये नजर आए किस तरह से, मैं आवाज़ कम कर देता हूँ। ये इसमें के लिए मैं थोड़ा सा दोबारा मैंने पेटी में डालना है, पेटी में डाल दिया, इसकी मैंने साइज जो है ना ज़्यादा करनी है, ठीक है, साइज़ ज़्यादा करनी और याद से मैंने मैंने इसको कोने में रखना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके इस पर आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, किस तरह नज़र आएगा इस तरह ये वाला फॉर एग्जाम्पल मैंने करना है, ओके करना है। अब यहाँ है ये वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है, तो ओके देखिए
वो इस तरह नज़र आएगा ये। अच्छा, इसके अलावा अब क्या रह गया है? अच्छा, इसमें से आपने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ट्रिक जो है ना, ये वाला नहीं दिखाना अपने वीडियो में, तो इसको आप क्रॉस कर दो, ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो जो है ना आपने, या इसमें कोई फॉर एग्जांपल ये वाला आवाज़ मैंने ख़त्म कर देना है, तो ये इसको क्रॉस कर दे, ये वाला ख़त्म करना है इसको क्रॉस कर दे, आपने ये दिखाना है तो ये कर दे, ये ख़त्म कर दे, ठीक है? इस तरह भी हो सकता है। और सबसे लास्ट में जो है ना हमने करना है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है? क्रिएट वीडियो कर दे, एग्जांपल में वीडियो जो है ना क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, क्रिएट वीडियो में जो है ना आपके पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी, इसमें आपने जो है ना फॉर्मेट आपकी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं, WMV, MP4 या M4, ये साइज़ के मुताबिक होता है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट मोबाइल साइज यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, फेसबुक के और इस तरह प्लान एडिंग में जितनी भी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने इसका साइज़ रेजोल्यूशन सेट करना है, और रेजोल्यूशन जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इसकी जो साइज़ है, ठीक है, इस पर आप सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रेजोल्यूशन जो है ना 1280x720 है, अगर इसको मैंने ज़्यादा करना है तो इसकी जो वो है क्वालिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो 180 MB पहुँच गया, दोबारा मैं इसको अपनी उस पर रख देता हूँ, क्योंकि इसको 1280 पे रख देता हूँ। ओके, तो ये आ गया, ठीक है, तो ये 49 पे आ गया अगर मैंने रेजोल्यूशन इतनी रख दी। उसके बाद आप एक्सपोर्ट पे वो कर दें तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, चंद तकरीबन 1-2 मिनट लेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक है, हमारी मूवी बन गई। अब हम फाइंड टारगेट से अपना टारगेट जो है ना देख सकते हैं, और ये हमारा टारगेट जो हमारा बन गया है, ये इधर आ गया है, आप देख सकते हो 3 मिनट बन गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको मिला है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।